नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज, मैं वंदना सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो मुद्दा कानून से ज्यादा राजनीतिक रूप लिए रहता है, और वो मुद्दा है आरक्षण का। निकाय चुनाव में 27% ओबीसी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी के उम्मीदवारों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 27% आरक्षण के साथ आगे न बढ़ने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जो अध्यादेश आरक्षण को लेकर जारी किया गया है, उसे ट्रिपल टेस्ट के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अध्यादेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी कोटा आयोग की स्थापना के बिना और स्थानीय सरकार के अनुसार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा एकत्र किए बिना लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग सहित आरक्षित सीटों के लिए शेष चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में महाराष्ट्र के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जिसने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी कोटा पेश किया था, और इसके परिणाम स्वरूप राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसी को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल टेस्ट का पालन के बिना अध्यादेश नहीं ला सकती। ट्रिपल परीक्षण ये है क्या, हम आपको बताते हैं। पहला, राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है। दूसरा, आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, ताकि अधिकता का भ्रम ना हो। और तीसरी बात, किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होगा। सरकारी अध्यादेश तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है, राजनीतिक पार्टियां अब इसको कैसे बनाए रखती हैं? देखना यह है कि 27% आरक्षण क्या आंतरिक रूप से काम करता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे डीआरवी न्यूज चैनल के साथ बने रहें। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।